अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू के ई व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? आप लोग कह रहे होंगे कि जी कहाँ से आज ये दो हफ्तों के बाद नमूदार हो गए हैं एकदम। तो जी आ गए हैं हम आपके सामने और अब इंशाल्लाह आते ही रहेंगे। तो ये जो गैप था, इस गैप की स्टोरी थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अभी जरा हम रेडी शेडी हो जाएं। मेरे हबी अभी रेडी हो रहे हैं, मैं रेडी हो गई हूँ और हम लोग फिर कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, आपको भी साथ लेके चलते हैं, आप लोग भी साथ रहे और फिर रास्ते में आपको ये स्टोरी भी बताएंगे कि आखिर हम लोग गायब कहाँ थे और अब दोबारा से कैसे आ गए। ठीक है? लाई लाई मुझे लग रहा आप अपनी बना रही हो। आप तो मेरी बना रही। मैं आपकी बना रही हूँ कि मेरे हबी जो मेरा हेयर स्टाइल नहीं सेट हो रहा ना। ओहो, इसको सेट करने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, जब मेरा हेयर स्टाइल सेट होगा ना फिर बनाया करो। ऐसे थोड़ी चले जी, ठीक अभी बेल्ट है। भी नहीं लगाई, भी कुछ भी नहीं किया हुआ और परफ्यूम नहीं लगाया हुआ। कैसे नजर आएगा कि परफ्यूम नहीं लगा? मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं अब हम लोग गाड़ी में और फिर बताते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और ये भी तो बताना ना कहाँ पे थे हम लोग इधर दिनों से। ठीक है जी, तो हम लोग आकर बैठ गए वापस अपनी गाड़ी में, मैं और मेरे हबी। ठीक है जी, तो आपको करते हैं हम अगेन वेलकम और आपको ये बताते हैं कि हम क्यों गायब थे और कहाँ गायब थे। इन शॉर्ट ये है कि जी दावतें बहुत ज्यादा चल रही थी, उसमें हम लोग बिजी थे। मेरे हस्बैंड की काफी मीटिंग्स थी, हम उसमें बिजी थे। मेरे अपने काफी काम थे, उसमें बिजी थे। तो ये तीन चीजें थी जिसमें हम बहुत बिजी थे। मुल्क के हालात तो चलते ही रहते हैं, आपके साथ भी हमारे साथ भी, हम उसमें कोई बिजी नहीं थे, हम अपने कामों में बहुत बिजी थे। इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अलग घूम रहा था और बेगम साहिबा अलग घूम रही थी। मतलब बेगम की याददाश्त चली गई। आपको बता देते हैं कि बादशाह बेगम की याददाश्त चली गई है। अब मैं नई याददाश्त के साथ सर पे देसी अंडा आके लगा और याददाश्त चली गई जी। तो अब बात यह है कि अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग डॉजिंग कार में बैठे हुए इस वक्त। अच्छा जी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग एक बड़े मजे की जगह जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान में भी आ गया है। जहाँ पे जाने से पहले आपको पीचिस खाने पड़ते, पीचिस मतलब आड़ू खा के जाना पड़ता। तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। अब पहले हम वहाँ पहुँच जाए तो फिर आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये व्लॉग एंड तक देखें और ये तो पता लगेगा हम कहाँ जा रहे हैं। ये देखें, छुरी भी रखें आप गाड़ी में ताकि आपको रास्ते में अगर आड़ू पसंद आ जाए तो आप काट के खा लें और गाड़ी में से गिर जाए। अच्छा जी, तो अब ये है कि हम लोग जिस जगह जा रहे हैं आप हमारे साथ चले, हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो साथ चले हमारे। Welcome to Chili's. Welcome. You. Welcome to Chili's. Yeah. Welcome to Chili's. Chili's in Pakistan. Yeah. जी तो सुने, बता दें कि हम लोग कहाँ पर आए हैं। ये बताना ही पड़ेगा और क्योंकि वो लोग देख रहे हैं और फॉरवर्ड कर करके देख रहे हैं, हमारी इतनी बातें कैसे सुनेंगे वो। तो फिर हम बता देते हैं सुने। बता देते ना, ये देखे हम आए हैं आवर स्टोरी पे। आवर स्टोरी पे नहीं, बताए हम कहाँ आए हैं। ये देखे, ये देखिए। ओ तो सुने, हम फिर सऊदी में इस वक्त। नहीं, ये हम सऊदी से ले आए हैं। यहाँ सऊदी से हम ये सऊदी दुबई से हम ये चेन ले आए हैं अपने साथ के भाई हमसे नहीं रहा जाता। हाँ। तो हम ये साथ लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके भी ये चिली दिखाएंगे और उधर जाके भी हम चिली दिखाएंगे। आए हुए इस वक्त चिलीज में और अब सुनिए, आप ऑर्डर कर देते हैं, भूख भी बहुत लग रही है। चिलीज की मोहब्बत देखें कि हम सऊदी से यहाँ ले आए हैं, दुबई से यहाँ ले आए हैं। पहले ये पाकिस्तान में नहीं था, ये भी हमारे साथ ही आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनिए, ऑर्डर करें? नहीं करें अभी, सिर्फ हम ये देखें, सिर्फ यहाँ से देख के और चले बस। बहुत मैं कह रही हूँ जो हम खाते अपना फेवरेट। चलिए, ये टिश्यू आ गए। हाँ। टिश्यू से आप हाथ पोंछे और चले। नहीं नहीं, बहुत खाली। नहीं सुने, चलिए ऑर्डर करते हैं और सबसे पहले इनका मेन्यू देखते हैं। मेन्यू देखते हैं और प्राइस कंपैरिजन करते हैं। हाँ, कि क्या प्राइस का डिफरेंस है। हाँ, ये देखते हैं कि हमें इंटरनेशनली और यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और मेन्यू देखें कि सेम है या क्या। मेन्यू सुने, बिल्कुल ऐसी बुकलेट तो बिल्कुल सेम सेम है। प्राइसेस क्या है? ऑब्वियसली सेम ही है यार। प्राइसेस तो इतने सस्ते देख देख के तो मुझे हो रहा है यार। अच्छा, टेस्ट क्या वैसे ही मिलेगा हमें? है सुने, टेस्ट वैसा ही मिलेगा। इनको देख के तो लग रहा है पाकिस्तान बहुत सस्ता मुंह। सच्ची में ऐसे ही फील हो रहा है कि पाकिस्तान ज्यादा ही सस्ता है। हम ऐसे कह रहे हैं पाकिस्तान में महंगाई है। नहीं, प्राइस मेंटेन की है एज पर पाकिस्तानी इकोनॉमी ना, इसलिए देखते हैं। क्योंकि ये मैं इतना, मेरा फेवरेट है और ये इतना सस्ता। अल्लाह माफी दे सुने, इतना सस्ता कि जितनी सस्ती खामोशी। बिल्कुल। चलो हमने ऑर्डर कर दिया, फिर मिलते हैं आपसे। प्राइस डिफरेंस क्या है सुने?
ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज है वाकई में, हाफ एंड हाफ का डिफरेंस है। हाँ मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं वहाँ से जहाँ से अभी हम खा कर आए हैं, ठीक है। पाकिस्तान के हिसाब से प्राइसेस मतलब कम नहीं है, पाकिस्तान के हिसाब से प्राइसेस जो है वो हाई है, बट इंटरनेशनली अगर बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाफ एंड हाफ का डिफरेंस है। मीन टू से अगर वहाँ पे एक यहाँ पे ये चीज मिल रही है 2000 की, तो अगर हम वहाँ पे जाके खाते हैं तो वो 4000 मिनिमम मिलती है। अपनी पसंद की ना चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं जो मैं खाती हूँ, मेरी पसंद की चीज़ें मैं आपको भी दिखाती हूँ, आप भी हमारे साथ खाना। और पाकिस्तान वाकई बिल्कुल ठीक कह रहे मेरे भी कि पाकिस्तान के हिसाब से प्राइसेस थोड़ी सी हाई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। मतलब अगर हम कहेंगे जी 5000 की एक मील है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, अफोर्डेबल प्राइसेस है। मतलब पाकिस्तान में चीज़ की अफोर्डेबल प्राइसेस है, और रियली आप लोग ज़रूर ट्राई करो एक दफ़ा, ज़रूर आप लोगों का यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़े का। अभी हमारा खाना आता है, हम आपसे फिर मिलते हैं और फिर हम फूड डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, टेस्ट सेम है या वही है, लेट्स सी। ओहो ओए होए हो, वाह यार ये तो साइज में भी बड़ा है। पहले आप इसका नाम तो बता दें व्यूअर्स को, नाम तो बताओ, पी क्या रहे हो? स्ट्रॉबेरी मार्गरिटा। स्ट्रॉबेरी मार्गरिटा, स्ट्रॉबेरी मार्गरिटा। अब आप ये पीकर बताएंगे क्या ये सेम टेस्ट है जो हम लोग बाहर पीते हैं वैसा, ये बताइए। हाँ सच्ची में। और हमारा मील भी आ गया है, और ये भाई हमारा मील लेकर आ गए हैं, लेट्स सी।